हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ में ज़बरदस्त बर्न गार्लिक चिकन फ्राइड राइस बनाने की रेसिपी। इसे आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही डिफरेंट और यूनिक सी रेसिपी है और खाने में बड़ी मज़ेदार लगती है। चले फिर इसको बिना देर किए हुए सीख लेते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले आपको एक फ्राइंग पैन लेनी होगी जिसको आप गर्म कर लीजिए। इसमें आप 3 से 4 बड़े चम्मच तेल डालिए और तेल को गर्म हो जाने दीजिए। जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें आप पूरी एक लहसुन की कली डालिए। उसको लहसुन को मैंने पहले छील लिया है, उसके पीसेस कर लिए हैं, हर एक गार्लिक क्लोव्स के पीसेस कर यहाँ पे डाल दिया है। और डालकर इस गार्लिक को हमें इसमें बिल्कुल अच्छे से फ्राई कर लेना है। जैसे हम प्याज कैसे फ्राई करते हैं, बस उसी तरह से हमें गार्लिक को गोल्डन फ्राई कर लेना है। और जैसे ये फ्राई हो जाए, किसी छन्नी पे रखकर इसको छान लेना है। और ये जो ऑयल रहेगा ना, वो आपको अच्छे से एक कटोरी में निकाल लेनी है और जो सीव रहेगी उसके ऊपर ये पूरा गार्लिक फ्राई होकर रेडी हो जाएगा। इसको आप साइड पे रख दीजिए। और जो सारी रेसिपी में जो तेल यूज़ होगा ना, यही गार्लिक फ्लेवर वाला तेल यूज़ होगा। तो अब वापस से मैंने फ्राइंग पैन में 2 टेबल स्पून तेल डाली है। इसमें 2 अंडे क्रैक किए मैंने, थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल कर रही हूँ मैं, और अंडे को स्क्रैम्बल कर लेंगे। किसी भी फ्राइड राइस में स्क्रैम्बल्ड एग्स बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे एग्स को सबसे पहले स्क्रैम्बल कर लीजिए। लगातार आप इसको मिलाएंगे इस तरह से, तो इसके टुकड़े हो जाते हैं, छोटे बड़े मिक्स टुकड़े चाहिए हमें। और अच्छे से स्क्रैम्बल कर 1-2 मिनट फ्राई करें और फिर इसको साइड पे कर लीजिए। वापस से सेम पैन में मैंने वही तेल डाली है 1 टेबल स्पून, और इसमें मैं अब चिकन ले रही हूँ। तो यहाँ पे 300 ग्राम बोनलेस चिकन के पीसेस लिए हैं मैंने, और ये सारा मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ। और जैसे इसका कलर नहीं बदल जाए तब तक मैं इसको फ्राई कर लूँगी। इस तरह से चिकन का कलर भी चेंज हो जाता है और इसके जूसेस जो होते हैं वो भी निकल आते हैं। तो इसमें ये कुक भी होता रहता है, अच्छा सॉफ्ट और टेंडर हो जाता है, प्लस जूसी बनता है ये। अब जब इसका जूस निकलना शुरू हो गया है, इसका कलर बदल गया है, तो इसमें कुछ चीज़ें डालेंगे। सबसे पहले हमें सॉस डालनी है, जो कि डार्क सोया सॉस 1 टेबल स्पून डाली मैंने। विनेगर, सिरका या आप लेमन जूस डाल सकते हैं 1 टेबल स्पून। साथ में 1/2 टीस्पून इसमें काले मिर्चों का पाउडर डालेंगे। 1/2 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे, क्योंकि सोया सॉस में नमक होता है इसलिए थोड़ा ही डालेंगे। और डालकर इसको अच्छे से मिला देना है हमें। अब ये जो थोड़ा बहुत हमने लिक्विड डाला है ना, इसी में ये चिकन कुक होगा, सॉफ्ट होकर टेंडर हो जाएगा। तो लगातार चलाएं, इसको मिलाएं, और मिलाने के बाद में लिड से इसको कवर करें और 7-8 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर कुक कर लीजिए। 7-8 मिनट तक चिकन बहुत अच्छे से कुक हो चुका है। यहाँ पे इसका थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है उसको हमें ड्राई कर लेना है। इस हद तक ये चिकन बिल्कुल गल चुका होता है, सॉफ्ट हो चुका होता है। देखिए, मैं आपको एक चेक कर दिखाती हूँ। ये देखें, बिल्कुल ईजली टूट रहा है, सॉफ्ट हो गया है और बहुत ही जूसी टेस्टी सा बना है ये। तो इस पॉइंट पर हमें इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करनी है। लास्ट में इसमें हमें सॉसेज ऐड करनी है। तो इसमें मैंने 2 टेबल स्पून या 2 से 3 बड़े चम्मच भी आप इसमें टमाटो केचप डाल सकते हैं, और इसके साथ ही इसमें चिली गार्लिक सॉस जाएगा 1 टेबल स्पून। अगर चिली गार्लिक सॉस नहीं है तो आप शेजवान डाल सकते हैं उसके जगह पे, और डालकर इसको बिल्कुल अच्छे से मिला दीजिए। देखिए, यहाँ पे चिकन का कलर कितना खूबसूरत आ गया है और बहुत ही अच्छे से ये रेडी हो चुका है। बहुत ही चटपटा बना है, बहुत टेस्टी, और इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स हैं और बनाने में बहुत ईजी है। चिकन को बस इस तरह से हमने इसमें सौते किया और उसमें कुछ मसाले ऐड किए और ये बन गया। तो बस इस चिकन को बनाकर साइड पर कर लीजिए और अब दूसरा पैन लीजिए। तो इस तरह की मैंने बड़ी पैन ली है, इसमें वापस से जो बचा हुआ तेल था ना, वो सारा डाल दीजिए। और ये गार्लिक ऑयल है, इसमें मैंने पूरा डाल दिया है। जब ये गर्म हो गई तो इसमें मैंने एक प्याज ली है लार्ज साइज़ की, जिसको मैंने कट किया था स्लाइसेस में, मोटे स्लाइसेस में कट किया था, जिससे ये बड़ा प्यारा लगता है, क्रंच मिलता है खाने में तो अच्छा लगता है। इसके साथ ही इसमें मैंने 3-4 पीस हरी मिर्चें स्लान कट करके डाली हैं, और डालकर प्याज के साथ में मिर्चों को हल्का फ्राई कर ले रही हूँ। बस 1-2 मिनट तक हमें इन प्याज के साथ में हरी मिर्चों को फ्राई कर लेना है, प्याज का बेसिकली क्रंच रहने देना है। इसी के साथ मैं इसमें कुछ सब्जियाँ भी ऐड करूँगी। तो इसमें मैंने गाजर लिया हुआ है, कैप्सिकम लिया हुआ है, अगर आपके पास में येलो और रेड मिल जाए तो वो भी डाल सकते हैं, मैंने सिर्फ ग्रीन लिया है। इसके साथ ही इसमें 1 कप फ्रोजन मटर डाले मैंने बॉयल कर, और बस इसको अच्छे से मिला दे रही हूँ। तो अब देखिए कितना कलरफुल ये दिख रहा है, सारी सब्जियाँ बिल्कुल इकट्ठी मिल रही हैं और बहुत ही मज़े की दिख रही हैं। इसी पॉइंट पे इसमें सीजनिंग करनी है हमें, तो नमक डाली है मैंने 1/2 टीस्पून, और इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स मैंने डाली है, और बस इसको अच्छे से मिला दूँगी। यहाँ पे सब्जियों को हमें ज़्यादा कुक नहीं करना है, ये हाई फ्लेम पे कुक हो रही है तो अच्छी सॉफ्ट सी हो गई है, क्रंच भी है और अंदर से सॉफ्ट हो गई है। इसी पॉइंट पे इसमें हमें बॉयल्ड राइस ऐड करना है। तो तकरीबन 3 कप मैंने चावल लिया था,
और इस चावल को मैंने नमक के पानी में बॉईल कर लिया था। तो अराउंड 3 कप चावलों के हिसाब से 2 कप मैंने खुले हाथ से नमक डाला और डालकर इसको बॉईल कर लिया। और इस तरह से चावलों को इस सब्जियों में हमें मिला देना है, मिक्स कर देना है। बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आया है और ये बिल्कुल कलरफुल दिख रही है, तो बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी। अब यहाँ पर हमें सीजनिंग करनी है दोबारा से, तो यहाँ पर वाइट पेपर डाल रही हूँ मैं, जो कि 1 टेबल स्पून मैंने डाली है। वाइट पेपर से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, अगर नहीं है तो फिर काले मिर्च भी डाल सकते हैं। इसके साथ ही इसमें हम लोग जो फ्राई करके रखी थी गार्लिक, बर्न गार्लिक, वो डालेंगे, क्योंकि ये रेसिपी ही बर्न गार्लिक की है, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा जो गार्लिक का आएगा। थोड़ा सा हरा धनिया भी मैंने डाला है और डालकर अच्छे से मिला दे रही हूँ। नमक मैंने चावलों में डाला था, प्लस सब्जियों में भी नमक डाला है, इसीलिए मैंने यहाँ पे नमक नहीं डाली, बॉयल करते टाइम ही नमक डाल दिया था चावल में। अगर आपका बॉयल किया हुआ चावल नहीं है, अगर आपका बिना नमक के बॉईल किया हुआ चावल है, तो आप इसमें नमक यहाँ पे डाल दीजिएगा। इसके साथ ही बनाया हुआ चिकन और स्क्रैम्बल किया हुआ हमारा एग्स यहाँ पे डालना है। इसके साथ इसके ऊपर भी हमें स्प्रिंकल कर देनी है हमारी बर्न गार्लिक, और थोड़े से कलर के लिए हरा धनिया डाल रही हूँ मैं। अब यहाँ पर ये पूरा प्रेजेंटेशन फाइनल हुआ। अब इसको लास्ट का 1-2 मिनट स्टर और देंगे, जिससे सभी तरफ सारे सब्जियाँ, सारे चिकन, एग्स सब मिल जाएँ और बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा ये फ्राइड राइस रेडी हो जाए। तो इस तरह से आप भी फ्रेंड्स ये वाले फ्लेवर के साथ में ना फ्राइड राइस जरूर ट्राई कीजिएगा। रेस्टोरेंट हो या ढाबा, आपको किसी की याद नहीं आएगी अगर आप घर पे ये वाली रेसिपी ट्राई कर लेंगे। बहुत ही ऑसम बनती है, बहुत ही फ्लेवरफुल, बहुत ज़्यादा टेस्टी, और आपने खुद अपने हाथों से इसको बनाया होता है तो बहुत ही मज़े की लगती है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए ये रेडी हो गई है, मिला दिया मैंने इसको। गर्मा गर्म बर्न गार्लिक चिकन फ्राइड राइस बनकर बिल्कुल हमारा तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त सा बना है और खाने में बहुत ही टेस्टी है, तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर गेस्ट आ रहे हैं, मेहमानों के लिए कुछ बनाना है या घर पर कुछ स्पेशल बनाना है, तो ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर से वीडियो पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ इसको एक बार लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और एक बार बनाइएगा ज़रूर। बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत आसान है और बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट टाइम, तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।